And baby, you can have whatever you want. You taste so sweet. I can't help myself. बड़ा बाजार पहुंचने के लिए आपको एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर उतर के गेट नंबर 2 से निकलना पड़ेगा। तो चलिए, तो गेट नंबर 2 से निकलते हुए हम गुप्ता ब्रदर्स के बाजू वाले गली से सीधा जाएंगे। सीधा आपको थोड़ी देर 5-7 मिनट तो चलना ही पड़ेगा बड़ा बाजार मेन मार्केट में जाने के लिए। बड़ा बाजार हमारे कोलकाता की सबसे बिजी एरिया में से एक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा और अपना सामान बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। तो पहले ही हम चले गए थे यहाँ के बैग कलेक्शंस देखने, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको न्यू मार्केट में ब्लैक कलेक्शंस दिखाया था, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी बड़ा बाजार का बैग कलेक्शन। यहाँ के बैग कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था और न्यू मार्केट के प्राइस के साथ ये कंपेयर किया जाए तो इसके यह 50 रुपीज कम था उसके कंपेरिजन में। तो चलिए देखते हैं का जो बैग्स है वो दूसरे मार्केट में मुकाबले बहुत ही कम दाम में है। अगर आप एक दो पीस लेना चाहते हैं तो वो 200 का है, अगर आप होलसेल में लेते हो तो शायद कम भी होगा, पर हम उसका परफेक्ट प्राइस नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम एक दो पीस ऐसे खरीदे थे। तो ये सब देख रहे हैं ये सभी 200 का है और जो किडी बैग है उसका प्राइस रेंज अलग है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये सब बैग भी आप देख रहे हैं वो सभी 200 का है, सब बैग का एक ही प्राइस है 200, या कोई बार्गेनिंग नहीं होता है। होलसेल का बात अलग है, वो मुझे ठीक से मालूम नहीं था। तो ये सब 200 का है, आप एक बार देख लीजिए। और मेरी दी को ये बैग तो बहुत ही भाग गई, तो वो इन्होंने खरीद भी लिया। चलिए फिर देखते हैं दूसरा बैग। मेरे हाथ में आप जो बैग देख रहे हैं ये सभी 200 का है और इससे एक साइज बड़ा जो आता है वो 250 का है, जो बाकी सब मार्केट में आपको 300 एंड 350 में ही मिलेगा। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यह सिर्फ आपको फैंसी बैग भी नहीं, स्कूल बैग बोलिए, ट्रॉली बैग बोलिए, सभी मिल जाता है बड़ा बाजार में। यही खासियत है हमारे बड़ा बाजार का। तो अभी हम जा रहे हैं साड़ी मार्केट में और देखते हैं क्या नए नए साड़ी आए हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो ये मार्केट में जाने के लिए आपका बैग मार्केट से थोड़ा सीधा चलकर राइट लेना पड़ेगा, तभी से यह मार्केट शुरू हो जाता है। इसके एक से बढ़कर एक साड़ी मार्केट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हर एक गली में बहुत सारा दुकानें हैं, आप बहुत ज़्यादा घूम के शॉपिंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है। मैंने आज बहुत तो नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा। ये जो हैंडलूम का है वो 350 का है और 400-550 का भी मिल जाता है, पर एक बात बोलना पड़ेगा, लॉकडाउन के बाद बड़ा बाजार में साड़ी का प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। पिछले वक्त मैंने जब गया था वो 250 का था, अभी सब 350-450 का हो चुका है। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं और थोड़ा बहुत किन परचेज भी कर लेते हैं। तो बड़ा बाजार सिर्फ साड़ी के लिए नहीं, यहाँ पर लहंगा के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको बड़ा बाजार में हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा चीज़ आपको मिल जाता है, वो आपका साड़ी से जुड़ा हुआ चीज़ हो या बॉयज़ का, सब कुछ बड़ा बाजार में अवेलेबल है। पर हाँ, यहाँ का मार्केट अलग अलग है। तो ये सब कुर्ती है, जो कुर्ती और पैंट दोनों का ही सेट है, तो ये अलग अलग प्राइस का है। तो आप होलसेल में ले सकते हैं, रिटेल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस रेंज में फर्क पड़ता है, और रिटेल में लेने से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और होलसेल में थोड़ा कम, पर हाँ दूसरे मार्केट में मुकाबले से बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर हम एक शॉप के अंदर गए थे, पर यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था और यहाँ का जो ओनर था उसका बिहेवियर काफ़ी गलत था, तो हमको पसंद नहीं आया। तो क्या करें, हम घुस गए थे तो एक आध साड़ी भी देख ली और एक खरीद भी लिया, जे तो चले गए थे इसलिए, अदरवाइज हमें यहाँ पर कोई वीडियो भी नहीं किया और थोड़े निकल आए, हमारा तो मूड ही खराब हो गया था बाकी वीडियो करने के लिए।
और लहंगा के लिए नहीं, यहाँ पर ज्वेलरी के लिए बहुत ही ज्यादा मस है। यहाँ पर लोग अपने शॉप के लिए भी होलसेल में बहुत ज्यादा ज्वेलरी यहाँ से ही परचेस करते हैं। जो लोग अपना नया नया दुकान खोलते हैं, बड़ा बाजार से सब माल खरीदते हैं, और पूजा हो या शादी, सब कोई बड़ा बाजार तो एक दो बार जाता ही है। तो ये मार्केट है आपका ज्वेलरी का, एक से बढ़कर एक मार्केट है और दुकान भी है। आप जितना चाहे उतना ज्वेलरी देख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप है ज्वेलरी का, बहुत ज़्यादा ब्राइडल ज्वेलरी बोलिए या फिर रेगुलर ज्वेलरी बोलिए, सभी यहाँ पर मिल जाता है और रिजनेबल प्राइस में भी मिलता है। यहाँ का प्राइस मैं एक एक प्रोडक्ट पकड़ के मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं हर एक प्रोडक्ट रिव्यू नहीं किया था, तो पर हाँ मेरे जो नॉलेज था उसके मुकाबले से मैं ये बोला। सिर्फ बड़े लोगों के लिए क्यों, बच्चे का भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, सब एक से बढ़कर एक है। तो आप देख ही सकते हैं कितना क्यूट क्यूट है। ज्वेलरी शॉप के बाजू में ही आपका शू का कलेक्शन है। यहाँ पर शू का भी कलेक्शन बहुत अच्छा है, पर मुझे यहाँ का ब्राइडल कलेक्शन शू में बहुत ज्यादा पसंद है। आपका वेस्टर्न कलेक्शन मुझे खास पसंद नहीं आया, बट हाँ आप देख सकते हैं एक दो बार, पर हाँ ब्राइडल के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सिर्फ बड़ा बड़ा चीज़ क्यों, छोटा छोटा चीज़ भी यहाँ पर मिलता है। आप क्लिप बोलिए, क्लचर बोलिए, गर्डर्स बोलिए, यहाँ पर सब है। 20 का है ये सब, 20-30 अगर आप होलसेल में लेते हैं तो 5-5 रुपये में भी आ जाता है। पर हाँ तो अभी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है, तब एक दो पीस आप नहीं ले सकते हैं। तो देख ही सकते हैं ये सब कितना क्यूट है। और इस तरह से शॉपिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।